मैं लेट आया हूँ क्योंकि मैं भी कहीं दूसरी जगह से आया हूँ। बहुत देर से विचार चल रहा था, सभी लोग इस पर चिंतन करने के लिए आए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जब हम यहाँ बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी सभी साथियों के साथ बैठना चाहिए ना, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? हर बार नेता बनकर वहां बैठेंगे तो यहां कौन बैठेगा? यही तो क्या करना है, मंच पर आते सब्जेक्ट पर आते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति है। जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया था तो महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने कहा था कि इस जुडिशरी में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं है, और खूब लताड़ लगाई थी। तो इस सब्जेक्ट पे जब सुप्रीम कोर्ट एडवर्स अपना डिसीजन थोप रहा है तो हम ये समझते हैं कि 1 मार्च जो यहां पर बैठे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, बिगर किसी नेता के कोई सांसद को हम बीच में नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यही अच्छे होते तो ये नौबत नहीं आती। कांग्रेस के 40 सांसद पूरी कॉरिडोर में आकर के पार्लियामेंट को हम कर सकते हैं, तो क्या 131 नहीं कर सकते क्या? अगर इस बात का पूरा हाउस राजी है तो मैं आपके साथ सिपाही बनने के लिए तैयार हूं। बोलिए, कोई नाम मेरा पार्लियामेंट इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। एक चीज हम यहां से डिसाइड करें कि जितने भी विभागों के सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, 5-5 आदमी या 10-10 आदमी की एक टीम बने और टीम बनकर एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के पास चलने के लिए वहां पर तय किया जाए कि वो इस पर इंटरवीन करे, क्योंकि सारे गुनाह को रोकने वाले और फांसी की सजा भी रोकने वाले राष्ट्रपति महामहिम है। तो क्या ये इसका रोक नहीं सकते? वो भी तो दलित है, वो भी तो दलित है भाई। एक दूसरा, जब भी कभी ऐसी बात आती है और कॉमन वेलफेयर के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट जाती है और 4 जज बाहर खड़े होकर के उसके खिलाफ मीडिया कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, तो भाई हमें कौन सी फांसी हो रही है, हम क्यों नहीं मार्च कर सकते? हमें एक आह्वान करना चाहिए कि जितने यहां लोग बैठे हैं, कोर कमेटी बनाने से पहले पहले तो एक संगठन का नाम दो इस आंदोलन के लिए। ना तो कोई संघ होगा ना परिसंघ होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो चंदा खा रहे बैठे हुए हैं, जो चंदा के नाम से दुकान खोले हुए हैं, 100 रुपए 200 रुपए 50 रुपए दफ्तरों में भी दुकान खोले हुए, बाहर भी दुकान खोले हुए हैं। आप दफ्तरों में क्या करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि एक ऐसी कमेटी तैयार करो, एक ऐसा आज ही डिसाइड करो, आप लीडर हैं, आपको तय करना है, हम आपके साथ हैं। लीडर जो कहेगा उसके साथ चलना पड़ेगा, यह पहले हमें अपनी ईमानदारी शो करनी पड़ेगी व्यवहारिक तौर पर, मगर लीडरशिप में ईमानदारी होनी चाहिए। ईमानदारी कौन सी, कि नाम आज इस आंदोलन के लिए दे दीजिएगा, किसी के बैनर तले हम किसी एमपी के या किसी भी पुरानी संस्था के बैनर तले हम लोग नहीं जाएंगे, और उसमें सभी विभागों के बैनर अपने अपने विभागों के बैनर होंगे। पिछले 97-98 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये वर्डिक्ट रिजर्वेशन के खिलाफ करी थी, तब भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में हम लोग गए थे, तो अब जब ये इतना बड़ा डिसीजन दिया जा रहा है जो पार्लियामेंट में तय होता है, जिसको कानून को पार्लियामेंट तय करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको इंप्लीमेंट करता है, आज ऐसा हो रहा है कि पार्लियामेंट चुपचाप बैठी है और सुप्रीम कोर्ट उसके कानून को बना रहा है, लोगों को थोप रहा है। तो हमारा आज ये कहना है कि एक तो यह तय कर लिया जाए कि बैनर क्या हो इस संघर्ष का, और सभी विभागों को बुला करके
क्योंकि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव यहां नहीं आए हैं, करीबन 500 बस्तर हैं दिल्ली के अंदर, और अर्ध सरकारी और सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे को भी बुलाया गया, रेलवे में दूसरे एसोसिएशन है उनको भी बुलाया गया, इंश्योरेंस है उनको भी बुलाया गया, इनकम टैक्स है उनको भी बुलाया गया, क्योंकि संख्या बल मायने रखती है। एक दूसरा, जो धार्मिक संस्थान चला रहे हैं, धार्मिक संस्थान जो बिल्कुल एससी एसटी वेलफेयर एसोसिएशन से हटकर हैं, जैसे रविदास संस्था है, जैसे भावादास है, मूल निवासी है, आदिवंशी है, भाई मैं बंद कर दूं, तो इन संस्थाओं के मुखियाओं से बात करी जाए, एक दिन इनको भी बुलाया जाए कि भाई आप हमारे नाम के रूप में आप बैठ करके चंदा खा रहे हो, अपनी धर्म की किताबें चला रहे हो और अपने समाज को इस तरफ मोड़ रहे हो, या अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, लेकिन इस समाज से ही तो बिलोंग करते हो, जो दलित समाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हो रहा है वो आपके ऊपर भी है, क्योंकि आप भी उसी समाज से बिलोंग करते हैं, तो क्यों नहीं उन संस्था को बुला करके इनके अंदर शामिल किया जाए, वो भी इस चीज को लेकर के, क्योंकि तो रविदास संस्था जो है कई लाख मेंबर है उनके, कई लाख वामसेठ को भी बुलाया जाए, बाकी संस्थाओं को भी बुलाया जाए और उनसे कहा जाए कि बंद कमरे में मीटिंग कब तक करोगे, और इसमें करीब एक महीने का या 15 दिन का या 20 दिन का समय लेकर के पूरे राष्ट्रव्यापी रूप में, राष्ट्रव्यापी रूप में एक मार्च ऐसा निकाला जाए, शांति मार्च, शांति मार्च, जो पुलिस प्रशासन भी आपके साथ खड़ा हो, और कोई ये भी हमारे ऊपर हमारे लीडरों को अटैक ना कर सके कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर आप अटैक कर रहे हैं, कंटेंप्ट ना हो। लीगली तौर पर वकील साहब आप मंच पर बैठे हैं, मैं उस वकालत के बारे में तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर को हॉस्पिटल में बैठ करके डॉक्टर सिखाना और वकील को वकालत सिखाना दूर होता है। मैं तो ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में हम एक शांति मार्च निकालें और सरकार को घेरे, राष्ट्रपति को ज्ञापन दें, इससे पहले ज्ञापन दें कि अगर आपने इस पर रोक नहीं लगाई तो हम एक महीने या 40 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर हम ये मार्च करने जा रहे हैं और लाखों की संख्या में वो मार्च होगा। ये 2 पॉइंट क्लियर है सर, क्या आप लोग सहमत हैं? बताइए आप लोग सहमत हैं? अरे जोर से लगा, आप लोग सहमत हैं? जिसकी जैसी अपनी दिल की इच्छा है, ऐसे भी दलित हैं जिनको 2.5-3 लाख रुपया मोटी रकम मिलती है, डॉक्टर धनंजय, ओपी गौतम या वकील साहब किसी से पास मांगने के लिए, पैसा लेने के लिए कतई नहीं जाती। जो भी संस्था है अपनी तरफ से अपनी गाड़ियां प्रोवाइड करवाए, अपने पैसे से लोगों को लेकर आए, अपने पैसे से मीटिंग का अरेंजमेंट करवाए, और जितने बड़े बड़े दफ्तर हैं सब अपने यहां पर, जैसे डॉक्टर धनंजय ने आज अपने यहां पर मीटिंग की है, वैसे ही 3-4 मीटिंगों का दौर दिल्ली सेंटर, पश्चिमी दिल्ली और साउथ दिल्ली में पहले ऐसे लोगों को बिठा करके मीटिंग का दौर कर लिया जाए और वीक में 3 मीटिंगों का दौर करा जाए। सिस्टम से काम की बात करते, देखो ये दलित अगर हमारे लोग जो एक्टिव लोग हैं अगर ज्यादा इतने तजुर्बेकार होते या मेहनती होते तो सुप्रीम कोर्ट की मजा नहीं कि इस पर हमारे खिलाफ में अपना डिसीजन दे देता, क्या होता? कहीं भी नहीं होता, क्योंकि इनको सोए हुए को जगाना आसान है लेकिन जगे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। ये यहां पर इसलिए फॉर्मूला फिट होता है कि हमारे लोगों को जगाने के लिए पहले उन्हें कन्विंस करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, बताना पड़ता है, सब इंतजार करते हैं कि
डॉक्टर धनंजय कब सही हो या ओपी गौतम कब सही हो या ओम प्रकाश कब सही हो या मंच पर बैठे लोग सही हो, जो करें वो ये करें और एक लाख लाओ और वो सिख वाला जो उदाहरण वो कह देते अरे अकेला काफी है। जब तक कि समाज की भीड़ सड़क पर नहीं उतरेगी, 5 लाख का टारगेट बनाकर आप चले, पूरा देश इस समय पर आपके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, लेकिन अगुवाई करने वाला चाहिए। क्या सही है? तो ये दोनों तीनों पॉइंट जो है उसमें से अपनी तरफ से जो चंदा हो सके बढ़ चढ़ करके, और एक चीज और, आपकी बार बाबा साहब की जयंती है तो बाबा साहब की जयंती है, मेरी सलाह है कि 14 अप्रैल को पार्लियामेंट स्ट्रीट पर तो होता ही है, क्यों नहीं हम अपने अपने विभागों में खर्चा कम करके बाबा साहब की जयंती मनाएं, खाना ला किया जाए, इस वहां वो पैसा इस आंदोलन में लगाया जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कम से कम 1.5 लाख रुपया खाने का खर्च होता है, होता है नहीं होता? मैं भी करता हूं, डॉक्टर धनंजय भी ऐसा करते हैं। तो ये जो 1.5 लाख रुपया है संगठन को इस लड़ाई के लिए दिया जाए और ट्रांसपेरेंसी तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाए, उतावले पन में होकर के टाटा फिस नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? पहला, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाए, टीम तैयार करी जाए 21 महीने की, जो जाकर के वहां ये कहे कि आप इसको इंटरवीन करें, इस पर रोक लगाएं, सुप्रीम कोर्ट पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति ही एक देश के अंदर सर्वोच्च है जो इस पर रोक लगा सकते हैं। तीसरा ये है कि सारे सांसदों को इन्विटेशन लेटर भेजा जाए कि आप अपनी तरफ से एक मार्च राष्ट्रपति महोदय के पास लगाएं और वहां से जो भी लोग लिख कर दें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भी वहां पर मार्च करें, और एक जो एक फॉरम है नेशनल SC ST फॉरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी, उसके माध्यम से भी उसके चेयरमैन को आगवा किया जाए और इसमें सोशल जस्टिस मंत्री के से भी बात की जाए कि जब सोशल जस्टिस मंत्री कानून और सब इन चीजों का देखभाल करने वाला है, आयोग को बिठाया जाए, सोशल जस्टिस मंत्रालय को बिठाया जाए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन को भी बिठाया जाए, बिठा करके इनकी तरफ से भी एक राष्ट्रपति महोदय के पास में एक ज्ञापन जाना चाहिए कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और अगर रोक नहीं लगाते हैं तो भाई हम 20 दिन के अंदर, हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, 20 दिन के अंदर हम सड़क पर मार्च करेंगे चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? बताइए। और सबसे पहले आपको अपने अंदर के जितने भी विकार हैं, क्या मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं आम आदमी में नहीं जाऊंगा, मैं आम पब्लिक में नहीं जाऊंगा, पोस्टर छपना चाहिए जहां जहां जैसे कॉलोनिया है, झुग्गी बस्ती कॉलोनिया है, टेम्पो ट्रेवल के माध्यम से पूरे 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक अपने अपने कॉलोनियों में लाउड स्पीकर के माध्यम से इस आंदोलन के लिए सारी कॉलोनी के लोगों को आह्वान किया जाए, भीड़ वहां से आती है, आपके पास से नहीं आती है, क्योंकि वे लोग बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को आह्वान किया जाए, कॉलेजेस में यू स्टूडेंट को आह्वान किया जाए, क्योंकि जब तक हम अपने यूथ को नहीं लेंगे तब तक यहां पर 40 वर्ष से ऊपर के बैठे लोग आप मुझे समझाते रहना, मैं आपको समझाता रहूंगा, मंच पर बैठे लोग आपको ज्ञान देते रहेंगे, ये आप इनको ज्ञान देते रहना, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस बाप के 4 औलाद हट्टे खट्टे हो उसके बाप को सारे लोग नमस्ते करते हुए चलते हैं, जय भीम करते हुए चलते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं, क्योंकि सब लोग डरते हैं यार इसके बेटे है ना हट्टे कट्टे तगड़े, और जो कमजोर हो जिसकी आज जिसका आदमी भी कमजोर हो वो सबकी भाभी हो जाती है, और जो बेचारा जिसका बाप कमजोर हो जिसके घर में पैसा हो वो सबका गरीब हो जाता है, सब उसे गाली देते हैं। तो ताकत युवा जो है युवा बढ़ाना पड़ेगा, युवा बढ़ाना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा मैं भी अपनी बात कह रहा हूं, मैं कोई इधर उधर नहीं जा रहा हूं, आप तो बोल दिया था सबको मत रोको ना, हम आंदोलन कर रहे हैं, बात मेरी खत्म हो रही है, बस मुझे इतने क्या रहा था।
इसके कारण जाना था आप अंदर का मैंने किया गया है मैं आंदोलन के साथ हूँ आप इसका गठन कर लीजिएगा गठन कर लीजिएगा नाम का नाम क्लियर कर दीजिए बड़ा सर।